भौन सा क्लिक का बेटा भी अटा पड़े और भाभी साहब भी अटा पड़ेड़ा है, बिल्कुल हमारे तो स्टूडेंट है पुराने, और भौन जी का जितना भी परिवार है ना, उनके मामा जी के बच्चे या जो भी है सब यही पढ़े हुए अपनी स्कूल से पढ़े हुए, बिल्कुल भी फील हुआ है मतलब भौन साहब बेटा अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो होता है हमें तो यूँ लगता है हमारे बच्चे ही हैं भाई, उसकी मम्मी भी यहीं पढ़े हुए और बच्चा भी यहीं पढ़ रहा है, तो हमारे लिए डबल वो इंजन वाली बात होती है, तो हमारे डबल खुशी की बात हमारे लिए तो, और इस तरह हमारे बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। प्रतिभा, जब प्रतिभा ने पंख लग जाओ है तो आसमान बहुत छोटो हो जाओ है, यानी कि धरती और आसमान के बीच में जो गैप है बिग गैप ने आपा बहुत कम कर सका। हाँ, राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ग्रामीण अंचल से निकल के मैं शहरी अंचल में आ चुके हूँ, रामपुरा में, और एक स्कूल है जगह, स्कूल को मैं इंट्रोडक्शन आपने दूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि लालगढ़ के मायने और बतायो जो है कि रामपुरा के मायने सब टॉप है जो ई बार ई स्कूल है जो करियो है, ई वास्ते प्रतिभा ने निखारने के लिए आप आज ई स्कूल के अंदर आ चुके हैं। ग्रामीण अंचल में भी अच्छो रिजल्ट रहे है, लेकिन शहरी अंचल के मायने बहुत ही शानदार और गजब है जो रिजल्ट रहे है। रतनवीर यादव, एमए बीएड, और मैं यहाँ 30 साल से बीकानेर में निजी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत हूँ, और मैं विशेष तौर से इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश का ग्रामर और उसके जो लेसन्स है उसका स्पेशल रहा हूँ। हरियाणवी सो? हाँ, हरियाणा के नहीं, अलवर डिस्ट्रिक्ट है वैसे तो, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पे हमारे काम सारे हरियाणा में, तो हमारे बच्चे ये भी कहते थे वो हरियाणवी में इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनसे ग्रामर पढ़ना है हमें। मतलब हरियाणा वाला मतलब कहीं है कि इंग्लिश के मायने की पारंगत हासिल हो वही है बने, ग्रामर के स्पेशलिस्ट 45 में से कहते थे 40 से कम नंबर नहीं आने दें, गारंटी थी इस चीज़ की। बच्चे मेरे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ बहुत सारे बीकानेर के अंदर भी बच्चों को, जैसे तंवर डॉक्टर साहब हैं वो मेरे से पढ़े हुए हैं वो, अच्छा, और इंजीनियर तो यहाँ बिजली के जो भी डिस्कॉम है बीकानेर के सारे डिस्कॉम में एक एक दो दो जे एन और एक एक दो दो ए एन सब में लगभग मिल जाएंगे मेरे स्टूडेंट। यादव साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि अब वाकई में मतलब बहुत एक गवर्नमेंट स्कूल है भी, गवर्नमेंट स्कूल के मायने भी यादव जी है थारा इन्ने गई है अलवर साइड का, तब ये कहें कि हमारे हरियाणा के मायने एक स्पेशलिस्ट ही है, कि मतलब वो इंग्लिश तो इतना गजब फराटेदार हुआ है इंग्लिश के मायने कि बातें छोड़ दो, तो हरियाणा के अंदर स्पेशलिस्ट के है मतलब जो आप ग्रामर ने बता रहे हो? स्पेशलिस्ट तो यूँ है ना, जो चीज़ नहीं मिलती है उसको कैचिंग पावर भी होती है, प्रतिभा है उनके अंदर, जिसको जिस चीज़ में काम लेंगे जिधर उसको ढालेंगे उधर चली जाएगी वो, तो इंग्लिश का दे दिया नई चीज़ है इसको भाई, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है ये, कम्युनिकेशन लिए सही है, तो उसके लग गए पीछे तो उसका निचोड़ निकाल दिया उसका, जिसमें लगे ग्रामर में लगे ग्रामर करना है तो करना है, तो राव तुलाराम स्कूल के जो बनवाई लाल जी थे उन्होंने मेरे को गाइड किया था विशेष तौर से ग्रामर के लिए, अगर भाई आप ग्रामर करो, मैंने ग्रामर तैयार किया और ऐसा हो गया स्पेशलिस्ट हो गए। और इस बार जो अपना रिजल्ट है, रिजल्ट की बात करना तो इस बार कितना रिजल्ट रहा है रामपुरा और लालगढ़ के अंदर आप पता करी हुए? लालगढ़ में रामपुरा मुक्ता प्रसाद जो क्षेत्र है इसमें हमारी बच्ची जो है ये 92.20%, ये बच्ची प्रियंका कंवर है, इसके 92.20% आए हैं इसके, और हिस्ट्री में विशेष तौर जो बच्चे कहते हैं, विशेष तौर लड़कियां कहती है जो हार्ड सब्जेक्ट है याद करना बहुत मुश्किल है, उसके 100 में से 100 out of 100 हैं इसके, पॉलिटिकल साइंस में 98 हैं इसके, ज्योग्राफी 97 नंबर हैं इसके, यानी कि जो हार्ड सब्जेक्ट जो बच्चे बता रहे हैं उनमें इसके अच्छे नंबर, खास बात ये है, और जो ड्राइंग, म्यूजिक या होम साइंस इजी सब्जेक्ट इसने नहीं लिए, इसने सारे हार्ड सब्जेक्ट लिए, इसने चैलेंज लिए, इसके मैं 92.20% आ गए, तो इसलिए बहुत और बधाई इस बच्ची को, विशेष तौर से आपको भी बधाई भैया, आपको धन्यवाद भैया आप पधारे बच्चे का इंटरव्यू लेने के लिए। बिल्कुल, अंतिम प्रश्न करूँगा भी बाद में मैं लौटूंगा थोड़ी देर बाद में। सर, कितना डिफिकल्ट है मतलब एक बच्चे के जहन में उतरना और भी बच्चे की क्वालिटी ने बाहर निकालना, क्योंकि अमूमन तौर पर अगर आप देखें तो मतलब बच्चा है जो आज की संस्कृति मैच कौन खा रहा, पुरानी संस्कृति मैच कौन खा रहा, यानी कि बे आने वाली कुछ आगे साल वाली जनरेशन है भी जनरेशन है अभी अपना रहा, तो इन मायने कितना मुश्किल है कि आज की जनरेशन ने मतलब आपकी सांस्कृतिक विरासत के सागे बचाए रखनो, और कितना जरूरी है माँ बापा के साथ कम्युनिकेशन? इसमें बच्चों को हमने विशेष तौर से प्रेयर जो होती है प्रेयर में हमने इनको गाइड किया लगातार हमेशा, अगर भाई जो अपनी पुरानी संस्कृति, पुराने विचार, पुराने हिसाब से चलेंगे तो अपने सही रहेंगे, जो मोबाइल है इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, और इसका मिस यूज करोगे तो इससे बुरी कोई चीज़ नहीं है, इसका डिफरेंस जो कर लेगा बच्चा उसका फायदा है। मेरे बच्चों ने इसके मेरी बात का पालन किया, अच्छी चीज़ लेने के लिए इन्होंने सिर्फ मोबाइल से अच्छी अच्छी चीज़ें ली, जो खराब नेगेटिव चीज़ें थी, जो नुकसानदायक चीज़ें वो नहीं ली, और उसका इनको फ़ायदा मिला है, और बच्ची ने पूरा एकदम जैसे था बताया उतना ही पढ़ाया, जो काम की चीज़ लेनी थी वो ही ली, उससे अलावा इसने मोबाइल को मिसयूज नहीं किया, प्रोग्रेस हुई इसका। बिल्कुल, मैं अभी बिटिया के पहुंचूंगा,
प्रियंका कंवर, और पिछली बार भी एक कंवर बिटिया ही जो मैं ग्रामीण अंचल से भी बच्ची की आवाज़ ने उठायो, और बहुत ही शानदार आप लोगों लाख व्यूज है जो एक रात में कंप्लीट किया, और आज भी जी इस साल भी जो बारहवीं में जो है वो भी प्रियंका कंवर वो नहीं वो शेखा होता है वो बच्ची भी अच्छा वो भी शेखा होता है राजस्थान टॉप किया उसने 99.20 किए वो भी शेखा होता है तो राजपूत समाज में भी हम कहेंगे विशेष तौर से अच्छी बात है बहुत अच्छी चीज है बड़ी पॉजिटिव चीज है वापस जागृत हो रहे हैं हाँ। और बच्चियों को पढ़ाने में नहीं तो पर्दा प्रथा इस कारण से पुरानी परंपराओं से ऊपर निकल करके बच्चियों ये तीन बहनें थी तीनों बहनें फर्स्ट डिवीजन है यानी कि एक 66 है एक 76 है ये 92 तीनों बहनें चाचा ताऊ तीन बहनें तीनों फर्स्ट डिवीजन हमारी स्कूल में तीनों बिल्कुल पिछली बार भी मैं मतलब जब स्टार्टिंग करी जब अभी भी मन ध्यान है कि आपका बहुत कॉल आएगा मैं पहुंचूंगा अभी तो मैं मतलब कंवर में करी तो आज भी मतलब प्रियंका कंवर बाईसा है जो मेरे कन्हे है तो कितना परसेंट बने है? पहला तो वही प्रश्न है आप 92.20% और पहला मतलब पतो चल गयो आतो आती पतो चल गयो या मतलब 5-7 बार रिजल्ट 4-4 देखो नहीं आपन तो को नहीं दूसरे को उसके नहीं एक बार में कंफर्म हो गया भी आपने ही हाँ। कम है या ज्यादा है या सेटिस्फाई हो यूं मैंने 95% का सोचा था कम है कम है तो फिर मतलब एक्सेप्ट कितो 95 हो और आया 92 है तो घरों कोई छोटी मोटी शिकायत मिली कि नहीं 3% कितना गायब हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है आज भी बेटियां ने क्या कहना चाहो जी सर है अभी बहुत बढ़िया बात बोली है प्रथा के बारे में बोली है पुराने रीति रिवाज के बारे में बात बोली है आज भी बेटियां ने क्या कहना चाहूँगा जकी बेटियां 8वीं क्लास में पढ़े कौन बाद में 10वीं बाद में कौन पढ़े अमूमन तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में कौन पढ़े शहर में कौन पढ़े अगर शहर में भी आप अगर शिक्षा को आंकड़ों निकालो तो शहर में भी कौन पढ़ा हुआ है तो आप क्या कहना चाहो सबसे पहले तो आपके माँ बाप ने प्रणाम कि आपने मतलब पढ़ाए हैं सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस स्कूल में पढ़ाया है विद्या भारती स्कूल में मैं बचपन से ही पढ़ रही हूँ और सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी और बाकी लड़कियाँ ने क्या कहना चाहूँगा जो मतलब बच्चियाँ पढ़े को नहीं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगी उन्हें पढ़ाओ उन्हें एक मौका दो ताकि वो अपनी उड़ान भर सके और पीछे पोस्टर भी है जो उड़ान वो है बहुत ही शानदार आपको क्या नाम बेटा अंजलि शाह और आपका कितना परसेंट बनाया है 84.20 और एक्सेप्ट कितना करे आप 92-93 लेकिन अच्छो हासिल करियो है बढ़िया हासिल करियो है बहुत बढ़िया तो ये प्यारी प्यारी बिटिया है जो अपने भारत को भविष्य है अमित यादव मेरे दोस्त भी है मित्र भी कैसे कहा नमस्कार यादव साहब के हाल चाल है बढ़िया सुदेश जी एकदम तो आज तो मतलब बाप और बेटे की जोड़ी पहली बार देख रहे हैं आपा एक बीकानेर में भयंकर शो भी कर चुके हैं गजब को शो कर चुके हैं और अमित भाई साहब ने सारा लोग जाने तो आज स्कूल में मैं पहली बार आया हूँ तो आपके स्कूल के बारे में जो वो रिजल्ट है वो लालगढ़ और सारे रामपुरा में मुक्ता प्रसाद में टॉप रही है तो इन मतलब इनके बारे में बताओ थे कि केत प्री प्लान तैयार करो पहले मैं ये बताऊंगा आज इस बच्चे का जन्मदिन भी है तो हैप्पी बर्थडे अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भाई तो बच्चे का बस इस दिन हमने फिक्स किया भाई इंटरव्यू रखेंगे तो बच्चे के बर्थडे एक दिन रख लेते हैं तो और बच्चे हमारे मतलब ये भी टॉप में थी पर किसी कारणवश अभी रीचेकिंग का फॉर्म भरा है वैसे तो अगर नंबर बढ़ भी सकते हैं तो भाई 90 के अबो हमारा जो था इस बच्ची का भी था पर कुछ रह गए तो हम तो यही कह रहे हैं कोई बात नहीं जितने हैं उतने संतुष्ट भी होना चाहिए भाई आगे अभी पूरी लाइफ पड़ी है कंपटीशन पूरा पड़ा है तो आगे और भी करेंगे तो फिलहाल बस यही है कि भाई बच्चों के हमने सबके बराबर मेहनत की है क्लास हमारी एक ही है सेक्शन हमारा एक ही है 12th क्लास का 29 बच्चे थे टोटल हमारे 12th क्लास में तो हेड सर रेगुलर इनको प्रेयर में मोटिवेट करते थे क्लास में जाके मोटिवेट करते थे और इवनिंग में मैं इनको इवनिंग में लेके बैठता था जैसे मॉर्निंग में तो हेड सर मोटिवेट कर रहे हैं तो इवनिंग में इनको मोटिवेट करता था और एक्स्ट्रा क्लास है और एक्स्ट्रा इनकी सेल्फ स्टडी पे मैंने ज़्यादा जोर दिया इस बार मैंने काफ़ी टाइम से मैं रिसर्च कर रहा था तो भाई ज़्यादा रिजल्ट किससे तो पता चला सेल्फ स्टडी से ज़्यादा होता है तो जो सिलेबस तो इनका 2-3 बार जो हुआ है वो तो वही है उसके अलावा हमने इनको शाम के टाइम है ना यहाँ पर बैठा के बच्चों को और इनको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करवाई है। एक बार मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा अपनी सारी अमूमन बात हो चुकी है अंतिम प्रश्न मित्रों जो आपने पतो है भंवर सा क्लिक का बेटा आपके स्कूल में ही पढ़े हाँ भंवर जी बहुत पुराने मित्र हैं शुरू से अपने यहाँ मोहल्ले में रहते हैं और उनकी जो वाइफ है वो भी यहीं पड़ी हुई है वाह जी वाह क्या बात है मतलब आज पूरी ऑडियंस ने ध्यान लगाया को भंवर सा क्लिक का बेटा भी अटे पड़े और भाभी साहब भी अटे पड़े है हमारे तो स्टूडेंट है पुराने और भंवर जी का जितना भी परिवार है ना उनके मामा जी के बच्चे या जो भी है सब यहीं पढ़े हुए अपनी स्कूल से पढ़े हुए बिल्कुल तो एक कमेंट है जो मतलब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा भंवर सा
क्लिक और भाभी सास आ गए, पुराने स्कूल की यादा कैसा गए, पार्ट टू आओगे जल्दी, वेट करियो, इंतजार करियो, क्योंकि भंवर सा के जीवन साथी अटे पटेड़ा हमारा भाभी सा, और बच्चों है वे बच्चों भी अटे पटेड़ो है, पढ़े है पटेड़ो कहीं है, कौन सी क्लास में पढ़े? कक्षा 8th में अभी। और किया है पढ़ने में? किया है पढ़ाई में, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत नॉर्मल, मतलब ऐसे नॉर्मल है अपने पढ़ाई में, क्योंकि घर में आओ पता है माहौल थोड़ा सोशल मीडिया का रहता है, तो उसी हिसाब से फिर तो मैं भंवर साहब कहता रहता हूँ भाई बच्चा भी ध्यान दो, देखो आप तो स्टार बन गए, इसको स्टार बनाओ थोड़ा सा, मैंने कहा पढ़ाई में स्टार बनाओ इसको, कम तो ये चीज जी। तो भाई भंवर साहब का बेटा भी इस स्कूल में पढ़ा है, यानी कि सामान्य स्कूल को नहीं है, भंवर साहब जैसा स्टार का बेटा भी इस जगह पढ़े। और हाँ भंवर साहब, 1 मिलियन फॉलोवर होने पर आपने दिल की गहराई हूँ, बहुत बहुत आभार आपके बेटे की स्कूल से। तो आपने भी अग्रिम शुभकामनाएं, अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतिम प्रश्न आपको करूँगा सर, भंवर साहब क्लिक जो बहुत मोटा स्टार है अपने बीकानेर का, तो मतलब एक बॉम्ब है, बांगा बेटा मतलब अड्डा पढ़ रहे हैं, मतलब प्राउड भी फील हुआ है, मतलब भंवर साहब बेटा अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं? वो होता है, हमें तो यूँ लगता है हमारे बच्चे ही हैं, उसकी मम्मी भी यहीं पढ़े हुए और बच्चा भी यहीं पढ़ रहा है, तो हमारे लिए डबल वो इंजन वाली बात होती है, तो हमारे डबल खुशी की बात हमारे लिए तो। और इस तरह हमारे बच्चे प्रोग्रेस करते रहे, गार्जियन को अच्छी अच्छी चीज़ करें, अच्छे प्रोग्रेस करें, अच्छी पोस्ट पे कोई जाता है, हमारे पीछे एक बच्ची हैं, जैसे 2-3 बच्ची हैं डॉक्टर, जैसे सिंगल है वो डॉक्टर, वो यहीं हमारे सेलेक्ट हो गई, तो हमें खुशी होती है। और पीछे जो बिश्नोई हमारे जो हैं SP जो यानी कि चुने गए वो सेलेक्ट हुए थे, उनकी जो बहन भाई थे वो सारे यहीं पढ़े, प्रेम जी की बात कर रहे हैं? हाँ प्रेम जी, जिनके भी शादी थी IPS जो था, तो उसकी भी भाई बहन भी यहीं मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं मेरे स्कूल के अंदर, तो हमें तो बड़ी खुशी होती है हमारे बच्चे, तो वही कहते हैं पुरानी कहावत है गुरु गुड़ रह गया चेला चिन्नी हो गया, तो हमारे चेले चिन्नी होते रहे, हमें उसमें बहुत खुशी मिलती है। बस दुर्भाग्य है कि मैं इस जगह कौन पढ़ पाए, राज खोलूंगा मेरे भी, मैं कठपढ़े रहूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।